सोच रही हूँ कि ये जो फर्नीचर है ना सारा पॉलिश पुलिश करा के ना तो तुझे जहेज में दे दूँ। जो बेड है वो नाना जान, सोफा है वो पप्पो जी, यानी कि शादी के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, सारे मरहूमीन वही होंगे। ये तो है। अरसल परी तुम्हें शादी मुबारक हो। परिस्तान या कुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7 बजे। बेकदर बेकदर वो मैं अदील से शादी करना चाहती हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, शादी को मजाक समझ कर रखा हुआ है। तुम्हारे नजदीक हमारी कोई अहमियत है या नहीं? इस बार मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अम्मी आप आ गई? अम्मी आप फोन भी नहीं उठा रही थी, मैं इतना परेशान हो रही थी, क्या बात हुई वहां पे? अम्मी क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, बताएं ना क्या बात हुई वहां पे? मेरा और अदील का रिश्ता पक्का हो गया ना? नहीं, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बस वही जिद दिखाई, अपनी ही बात से मुकर गई। क्या मतलब अम्मी, मुकर गए? क्यों मुकर गए? नीलम उम्मीद को बहू बनाने के बाद उसे झुका नहीं पाई, इसलिए वो नहीं चाहती कि तुम भी उस घर का हिस्सा बने। डर गई है वो नहीं चाहती कि तुम दोनों बहनें मिलकर उसका मुकाबला करें, इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। पर तुम परेशान मत होना बेटा, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देगा। मैं परेशान नहीं हो रही अम्मी, ये सोच रही हूँ कि ये इनकार उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उठो जारा, जारा, जारा। बड़े अरसे के बाद दादी का ख्याल आया, कहो क्या बात है? कितनी अजीब है ना दादी आप, मुझे तो हैरत होती है आप पे। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे, बदतमीजी कर रही हो? तमीज से बात करो। आपकी नवासी वहाँ हॉस्पिटल में है और आप यहाँ आराम से बैठी हैं। से पता चलता है कि आपको खूनी रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। मैं बता रही हूँ रमल, मुझसे तमीज से बात करो वरना हाथ उठ जाएगा मेरा तुम पर। दादी हूँ मैं तुम्हारी। दादी तो हैं आप, लेकिन दादी जैसी कोई बात नहीं है आप में। अगर आप दादी होती ना तो आपको सच में जारा की फिक्र होती, आप हमारा ख्याल रखती, मगर आपसे तो ये सब कुछ कहना ही फजूल है, बहुत अफसोस की बात है। अरे काय का अफसोस, सब जानती हूँ मैं कि तुम्हारी माँ मुझसे और सवेरा से अपनी बहन का बदला ले रही है, इसलिए आज उसने जारा की यह हालत कही। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी नवासी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं छोड़ूंगी, दुनिया वालों को चीख चीख के बताऊंगी कि तुम्हारी माँ अपनी बहू का ये हाल करती है। कोई यकीन नहीं करेगा आपकी ये बात, क्योंकि जारा खुद ये इल्जाम गलत साबित करेगी। मैं तो सोच रही हूँ सवेरा पप्पो को वही मिल रहा है जो उन्होंने बोया था। क्यों, नीलम आंटी के साथ मिलकर यही किया था ना? लेकिन असल किरदार तो आप ही हैं, हर साजिश आपकी है, अब आपके साथ कितना बुरा होगा ना ये सोचें आप। अरे जाओ जाओ, बुरा करने वाली, मर गए बुरा करने वाले, बदतमीज खल्फ। डॉक्टर साहब क्या हुआ, जार की तबीयत कैसी है? नहीं आप तो ठीक है, वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। और यार गुड लक, तुम बाप बनने वाले हो। मुबारक हो फरहान, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी अच्छी खुशखबरी से नवाजा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, और तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो मारुफ। हार तो नहीं मानूंगी मैं, इस लड़की का कब्रिस्तान तो यही घर बनेगा। मरी हुई माँ से पैदा हुई थी ना, उसी मरी हुई माँ के पास ना पहुंचाया उसे तो मेरा नाम भी नीलम है।
जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। लेकिन चाय तो आपने अभी पी थी। वो गिर गई, मैंने नहीं पी। अब क्या एक कप चाय का भी हिसाब लोगी? इतना मत उड़ो कि संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन आपको तो मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है। मुलाजमा अपने घर जा चुकी, इसीलिए तुम्हें कह दिया। नहीं बनानी तो रहने दो। अब ओके, मैं लेकर आती हूँ। बाप, आप यहां कैसे? घबराओ नहीं बेटा, बताता हूं। मैं यहां दोबारा सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं अदील और रमल की शादी के लिए राजी हूं। मगर नीलम राजी नहीं होगी। यासिर भाई, माजरत के साथ, अगर आप नीलम की बात ना ही सुने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पहले तो उसने किसी के साथ भला किया नहीं है और ना ही वो आगे करेगी। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि बरसों पहले किस तरह नीलम ने भाई और महरुख के बारे में आपके दिल में शक डाला। सवेरा, अब इन बातों की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी इनका कोई फायदा नहीं है। ये सच है यासिर, मैं गवाह हूँ इस बात की। अम्मी के साथ मिलकर नीलम ने मारुख को आपसे अलग करवाया, क्योंकि वो अपनी तलाक का बदला लेना चाहती थी मारुख से। आपके दिमाग में मारुख को लेकर जो भी शक था, वैसे ही हकीकतन नीलम ने आपको दिखाया और नतीजतन आपने आज शादी के वक्त पर मारुख से शादी पर ही इनकार कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे यकीन करूं तुम सबकी बातों पर? आप यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी बेटी के सर पर हाथ रख कर कसम खाने को भी तैयार हूँ कि नीलम ने आपसे धोखे में आकर शादी की। और मैं भी शायद आपको आज ये सब बातें सच सच नहीं बताती। जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब मैंने सोचा कि मैं तो गलत लोगों का साथ दे रही थी। यासिर, अगर तुम उस दिन मारुख से शादी करने से इनकार करने का कदम नहीं उठाते तो आज हम सब इस मोड़ पर ना खड़े होते। शायद गलती किसी की भी नहीं थी, या फिर सबकी थी। मारुख, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, तुम तो बेकसूर थी। और मैं नीलम की बातों में आकर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सच यही है यासिर, मेरे बाबा ने मरते वक्त सरमद का हाथ मेरे हाथ में दे दिया था। मैंने ये शादी सिर्फ उम्मीद की खातिर की थी। मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। बेटा, मैंने ही कहा था सरमद और मारुख से कि तुम दोनों का निकाह करा दे। मुबारक हो। थैंक यू डैड। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। यासिर, इस खुशी में गले नहीं मिलोगे? क्यों नहीं? मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मारो, तुमने मेरी बेटे की मोहब्बत को उससे मिला दी।
पर अगर ऐसा ना होता तो शायद शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम्हारा भी शुक्रिया यासिर कि तुमने हम सब पर भरोसा किया। माजी की गलतियों को तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल की गलतियों को हम आज और अभी रोक सकते हैं। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद आप भूल गई हैं कि मैं नए दौर की बहू हूँ, और फिर जिनकी सास आप जैसी हो ना, तो उन बहुओं को किचन में जाने से पहले बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, इसीलिए मैं बच गई। वरना आज तो आपने पूरा प्लान बना लिया था कि आज मैं धमाके से उड़ जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या मतलब? धमाका तो हुआ है, लेकिन उसकी आवाज आपको अब आएगी। धमाका? कैसा धमाका? क्या बोलना चाह रही हो? एक मिनट रुके, ये देखिए अदील और रमाई को निकाह के पिक्चर्स। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम यासिर यहाँ क्या कर रहे हो? अबल, तुमने दुल्हन का लिबास क्यों पहन रखा है? और अदील, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? दादी, मेरा और अदील का निकाह हो गया है। है क्या कह रही हो तुम? निकाह हो रहा है? और वो नीलम कहाँ है? वो क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चाल है? एक कौन से जन्म के बदले ले रही हो मुझसे? तुम सब लोगों ने मिलकर ये सब कुछ किया, इसीलिए फरहान के साथ मुझे भेज दिया? हाँ, चाल चली तुम लोगों ने मिलकर ताकि सब कुछ यहाँ चोरी छुपे हो? इतना बड़ा धोखा दिया तुम सबने मिलकर मुझे? खाला, मैं बाप हूँ अदील का। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्यों एतराज हो रहा है? क्योंकि तुमने अदील को वरगला के शादी की है। वरगलाने का काम तो हमेशा आपका ही रहा है, कभी जारा को, कभी सवेरा को, कभी रमल को, कभी उम्मीद को और कभी नीलम को। मैं इस रिश्ते को हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी। अरे, मुझे धोखा देकर तुम लोगों ने ये सब कुछ किया है, मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है, कभी माफ नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स। हाय नीलम, सब कुछ खत्म हो गया, पर एक बार फिर से बर्बाद हो गई तुम। वक्त ने तुम्हें फिर से अकेला कर दिया। आप क्या कह रही हैं खाला? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? क्यों फिर से आप मुझे डरा रही हैं? नीलम, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे बेटे का निकाह करवा दिया मारूख ने, और ये सब कुछ यासिर की रजामंदी से हुआ है, वो भी उनके साथ मिल गया है। ऐसा नहीं हो सकता, यासिर उनकी बातों में नहीं आ सकते। दीर का निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ? आप झूठ बोल रही हैं। अरे, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अब मारुख चल गई अपनी चाल, तुम्हारे दोनों बेटे अब उसके काबू में हैं। तुम ना सिर्फ सोचती रह गई हो और कुछ नहीं कर सकती। अब तुम अब भी सब कुछ मेरे हाथ में, नीलम नाम है मेरा, मारुख की सारी चालों को नाकाम कर दूंगी, उसके सारे अरमानों में पानी फेर दूंगी। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपके गलत मशवरों ने मेरी जिंदगी तबाह की है। मेरी बात तो सुन, कमबख्त फोन ही बंद कर गई। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उम्मीद, अगर तुम साथ नहीं देती ना तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वाह बेटा वाह, कर रहे अपनी मनमानी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी अपनी माँ के लिए नहीं सोचा?
जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सर उठा के चलना सिखाया, उसी को एकदम से पराया कर दिया, वो भी इस कल की लड़की के लिए। ये सलाह दी तुमने मेरी ममता का? अम्मा प्लीज, आदिल ने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया रमल के साथ। तो चुप ही रहो, तुम्हारी बीवी के साथ मिलके तुमने ये सब कुछ किया है। मेरे बेटे की शादी करा दी, वो भी मेरी मर्जी और ख्वाहिश के बगैर। तुमने गुनाह नहीं किया, मरे इतनी हिम्मत? आंटी प्लीज, रमल और आदिल ने अपनी रजामंदी से शादी की, आप इस तरह हम सबको बेइज्जत नहीं कर सकती। तो चुप ही करो वरना वो हाल करूंगी कि याद रखोगी। मॉम प्लीज, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, आपको हमारा रिश्ता कबूल करना होगा। मैं इस लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगी। आंटी बहू तो आपको मुझे मानना ही पड़ेगा, मेरी शादी हो गई है दिन से, मेरे साथ जबान चला रही। तुमने क्या सोचा था कि मेरे बेटे को बरगला कर शादी करके इस घर में आ जाओगी और मैं तुम्हारा धूमधाम से इस्तकबाल करूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। निकल जाओ, मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से। मामा प्लीज मत करें ये सब, लम अपनी हद में रहो तुम। आप तो चुप ही हो जाए, आप ही के शह पर ये सब कुछ हो रहा है ना, कैसे यासिर कैसे भूल सकते हैं सब कुछ? मेरे बेटे की शादी करा दी, बहू को घर में लेकर आए और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं समझा, और अभी मेरा साथ देने के बजाय इन लोगों का साथ दे रहे हैं। इन्हें तो क्या, आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और भी इसी वक्त इसे घर से निकालूंगी। खबरदार आंटी, आप मेरी बहन को यहाँ से नहीं हिला सकती। इसे तो क्या, मैं तुम्हें भी घर से निकालूंगी। बढ़िया ही, निकलो यहाँ से। अब बस कर दे मामा, आप ये गलत कर रही हैं। हट जाओ मेरे सामने से, मैं इन्हें निकाल कर ही रहूंगी। ये दोनों इसी घर में रहेंगी मामा, आप इस तरह उनको बेइज्जत करके निकाल नहीं सकती। वैसे अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो आप। क्या? क्योंकि आपने उम्मीद की जान लेने की कोशिश की। तुम अपनी माँ को जाने का कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ इस घर की, और अगर किसी को जाना है ना तो वो तुम्हारी बीवियां हैं। इतनी प्यारी है ना तुम्हें अपनी बीवियां, तो दफा हो जाओ, नहीं देखनी मुझे किसी की भी शक्ल। कोई कहीं नहीं जाएगा, जाओगी तुम नीलम इस घर से। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं, बल्कि इस घर से नहीं, तुम मेरी जिंदगी से पी जाओगी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त। अंकल प्लीज ऐसा मत करें। नहीं बेटा, मुझे मत रोको तुम, ये औरत इसी काबिल है। इसने ना सिर्फ ये घर बल्कि धोखे से मुझसे शादी भी की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, और आज इंतकाम की आग में इतनी अंधी हो गई कि अपने बेटों को इस घर से निकाल रही है। आज इसको इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। बाबा प्लीज, आप तो जज्बाती मत हो, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मामा और आप में क्या फर्क रह जाएगा? डैड, अब मामा को कुछ मत कहें, अगर मामा को ये रिश्ता कबूल नहीं है तो हम चले जाते हैं यहां से। नहीं बेटा, मैंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग जाओ अंदर। परेशान से क्यों लग रही? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मेरी दोनों बच्चियां उस घर में हैं, पता नहीं नीलम क्या हंगामा कर रही होगी, वो दोनों उन हालात को संभाल भी पाएंगी कि नहीं। मैं उम्मीद को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, अभी उन्हें फोन करना ठीक नहीं होगा, मैं तो सिर्फ खैरियत पूछूंगी। कुछ नहीं होगा हमारी बेटियों को, वो दोनों बहुत समझदार हैं, चाहे जैसा भी वक्त और हालात हो वो खुद को संभाल लेंगी, और वैसे भी अदील और जुनैद वहां पे उनके साथ मौजूद है। आज आपने मेरे साथ जो सलूक किया है, सोच भी नहीं सकती थी। आज आपने मुझे मेरे बच्चों के सामने बेइज्जत करके रख दिया, मुझे तलाक देना चाहते थे। मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, हमेशा आपका साथ दिया, और तो और उस वक्त आपका सहारा बनी जब आप टूट चुके थे, अकेले हो गए थे, अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दी, बच्चों को पाल के जवान कर दिया और ये सिला दे रहे।
बस करो अपना ये नाटक, बस करो अपना ये नाटक, बस करो। मुझे तुम्हारी सच्चाई का इल्म हो गया है। मतलब कैसी सच्चाई? यही के बरसों पहले तुमने सरमत और मारुख के हवाले से मेरे दिल में सैद भरा और मैं तुम्हारी बातों में आ गया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी, अपना घर, यहां तक के अपनी मोहब्बत भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नीलम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओके, तो ये कहे ना कि उस मारुख ने लिखा पढ़ा के भेजा है आपको। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि आप उस मारुख की बातों पे यकीन कर रहे। भूल गए? भूल गए यासर वो दिन जब उसने आपको ठुकरा दिया था, आपसे शादी करने से इनकार कर दिया था, और तो और ने बाप की मौत का इल्जाम भी आप पे लगाया था। सब भूल गए? कुछ भी नहीं भूला मैं, मुझे सब कुछ याद है, एक एक लफ्ज याद है मुझे। मगर तुमने मेरे गमो गुस्से का इस्तेमाल किया नीलम, सम्मत और मारुख का ताल्लुक दिखाकर मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारे उस इंतकाम की आग में साथ साथ जलता रहूं जिंदगी भर। यही था ना तुम्हारा मकसद? काश के मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, नहीं मानता तो ये सब कुछ नहीं होता। कुछ मुझे मुझे अपने अपने आप से नफरत होने लग गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं माफ करूंगा। माफ तो मैं आपको नहीं करूंगा, क्योंकि आज आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो मेरे लिए मौत के बराबर। उस मारुख के साथ मिलकर मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया? नहीं नहीं आसिफ, मैं उन दोनों लड़कियों को कभी कबूल नहीं करूंगी, उनको इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी, उनका वो हशर करूंगी कि माँ भी याद रखेगी। तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है नीलम, तो कर लो तुम्हें जो करना है। वो दोनों बहनें इसी घर में और तुम भी यही, तुम इंतकाम के लिए मारुख को इस घर में लेकर आई थी ना, तो उसकी दूसरी बहन भी इसी घर में मौजूद है। अगर तुम जीत सकती हो उनसे तो जीत, मगर तुम्हारा जो हशर होगा ना नीलम, तुम याद रखो कि जिंदगी भर, और उसके बाद ना मेरे पास आना और ना ही अपने बेटों के पास जाना, शिकायत ना करना हमसे, क्योंकि एक बात कान खोल कर सुनो, वो दोनों लड़कियां ना तो कोमल हैं और ना ही मारो। देखती हूँ मैं कैसे जीतती है मुझसे। मैं इस घर से भागने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो हम लोग मेरी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। अदीले से कहो कि मुझसे बात ना करे, इसका वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मामा, मुझे लगा था कि आप हमारी खुशी के लिए मान जाएंगी, बाबा को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन आपका ये रवैया देख के मुझे आपसे कोई और तवक्को नहीं है, ना रमल के लिए और ना ही भाभी के लिए। क्यों करूं मैं अच्छाई? हाँ, मैं ही बेवकूफ थी जो खाला की बातों में आ गई, वरना आज मेरी औलाद मेरे खिलाफ ना खड़ी होती। और अदील, तुम तो अपनी मामा के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, और आज देख लो अपनी मामा के खिलाफ खड़े हो। तुम मर जाना चाहिए ऐसी औलाद को। आप मुझे मरने का कह रही है मामा? मुझे बहस नहीं करनी, आखिरी यही बात है कि जब तक तुम इस लड़की को तलाक देकर यहाँ से नहीं निकालोगे, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं समझूंगी। यही बात मैं जुनैद से भी कहूंगी। तो आप अपना इंतकाम पूरा करने के लिए अपने औलाद को गवा देंगी? अदील प्लीज, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? आंटी अभी हमारी शादी पे गुस्सा है,
मुझे यकीन है ये मान जाएंगी, इनको बस थोड़ा वक्त दो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम जैसी जाहिल लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूं। आप गलत कर रही हैं मॉम, कम से कम तमीज से तो बात करें मेरी बीवी से। नहीं नहीं अदील, मुझे आंटी की बातों का बुरा नहीं लगा, मैं तो वैसे भी आदी हूँ ऐसी बातों की। एक अरसे तक तो मेरे घर पे भी ऐसी बातें होती थी, अगर यहाँ पे भी ऐसी बातें मिल गई मुझे तो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूँगी। आंटी आप जो चाहें करें, लेकिन आपका एहतराम पहली तरजीह होगी मेरी, चाहे आप कबूल करें या ना करें। अरे दिल आप जाए ना, गाड़ी निकाले, मैं आ रही हूँ। बात सुने आपने, ये जो आपने ड्रामेबाजी लगाई हुई है ना, बंद करें इसे, क्योंकि अगर मैं ड्रामेबाजी पे आ गई ना तो खैर नहीं होगी आपकी। ओह तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, मेरे बेटे के सामने ड्रामा कर रही थी मेरी इज्जत करने का, उसके जाते ही मुझे धमकी दे रही हो। धमकी ही समझ रहे हैं आप, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं हूँ जो आपकी हर बात सुन के आपको फिर से मौका देती रहूंगी। रमल नाम है मेरा, जिसके खिलाफ मैं हो जाती हूँ ना उसका जीना हराम कर देती हूँ मैं। बताया तो होगा दादी ने आपको मेरे बारे में, एक हफ्ते का वक्त देती हूँ मैं आपको, अगर आपने मुझे अदील के साथ इस घर में कबूल नहीं किया तो आपका वो हशर करूंगी कि आप दुनिया भूल जाएंगी, समझी? तुम मुझे धमकी दे रही हो नीलम को, और इतनी हिम्मत? मत भूल, रमल अकेली नहीं है, हाथ पांव चलाए बगैर तहजीब और इंसान बनकर भी एक दूसरे से इख्तलाफ रख सकते हैं, बातचीत कर भी झगड़े खत्म किए जा सकते हैं। क्यों रमन? मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देती, जानती तो हो तुम। बिल्कुल, रमन से कोई नहीं जीत सकता, बहुत बहुत खतरनाक साजिशें करती है रमन, इसीलिए आप मोहतात रहिए। तुम दोनों मुझे डरा रही हो? जान से मार दूंगी तुम दोनों को। अरे ना मैं उम्मीद कोमल हूँ ना मैं मारूफ हूँ जो दिल पे पत्थर रख के सब सहती रहूंगी, समझी आप? जैसा आपका सलूक होगा वैसे ही हमारा होगा, इसलिए सोच लीजिए कि करना क्या आपको। अरे हाँ, बातों बातों में तो याद ही नहीं रहा। उम्मीद मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, तुम मेरी सास का ख्याल रखना। बेफिक्र, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा जाओ ना, तो अम्मी से कहना कि मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। नीलम तुम्हारे साथ ठीक थी ना? छोड़े उन्हें, क्या बताऊं। उम्मीद और जुनैद कहाँ हैं? वो लोग बस आ ही रहे होंगे। ठीक है, आप लोग तो आओ। क्या बात है भाई, तुम दोनों ने तो बहुत ही लजीज खाना बनाया। अब आएगा मजा, जब सब तीखा खाना खाएंगे तो तब इन दोनों का मुंह देखने वाला होगा। वाकई बेटा खाना बहुत अच्छा लगा। अंकल हम दोनों ने मिलकर बनाया है खाना। अरे आंटी आप खाना क्यों नहीं खा रही, प्लीज खाइए ना, बहुत मजे का है। हाँ हाँ ले रही हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी। क्या हो गया? इतना मसाला, इतना तीखा खाना। आंटी ये वही बिरयानी है जिसमें आपने ज्यादा मसाला डाला था। आई थिंक आपको मसाला ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने अपने लिए दूसरी बिरयानी बना ली। क्या मतलब, जान लगा रही हो मुझ पे? होश में तो? सबूत मैं आपको अभी दिखा देती हूँ अंकल, एक सेकंड। ये देखिए,
हद होती है नहीं, बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खाने में ज्यादा मसाले डाले, हम सबको खाना था खाना, इस बात का ख्याल नहीं था तुम्हें? मामा फॉर गॉड सेक, ये सब क्यों कर रही हैं आप? मैंने पहले ही कहा था मुझे इस घर में नहीं रहना, आप लोगों की चाहत थी। अधीर बात तो सुने, मामा ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप हमारी मामा हैं, लेकिन आप ना तो आप हमारी खातिर भूलना चाहती हैं ना भूलने देना चाहती हैं। वहां जाओ, दुनिया आ गई, मां बुरी लगने लगी है। और आप क्यों बैठे, आप भी चले जाएं। नीलम मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हारी हरकतें, काश कि मैं तुम्हारी चालों में तुम्हारा साथ नहीं देता। और याद रखना, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा एक दिन बहुत बुरा पछताओगी तुम, अकेले रह जाओगी, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। आखिर क्यों मामा इतनी जिद्दी है, क्यों नहीं समझते कि तुम दोनों बहनों के खिलाफ ये सब करके वो उन पुरानी दुश्मनियों को गहरा कर रही हैं? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन शायद वो समझना ही नहीं चाहती हैं। और दादी को ही देख लो, सारी जिंदगी नीलम आंटी के खातिर अम्मी से लड़ती रही और ना जाने क्या क्या प्लान बनाती रही, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो हर बार नाकाम रही, लेकिन फिर भी उन्हें अकल नहीं आई। अकल उनको कभी भी नहीं आएगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ दोनों को, और यकीनन वो लोग ये सब दादी के कहने पे ही कर रहे होंगे। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं सारी जिंदगी अपने घर पर बुजुर्गों के प्यार के लिए तड़पता रहा, दादी और नानी की मोहब्बत के लिए तरसता रहा। मैं भी दादी नानी के प्यार के लिए तरसता रहा हूं, लेकिन उनका ये रवैया देखकर तो मुझे अफसोस हो रहा है। अच्छा जुनैद, ऐसा नहीं कहते, उनके वजूद से ही तो घर में रौनक बरकरार रहती है। मगर हमारे घर की रौनक तो खत्म हो गई है। ठीक कह रहे हो, इसलिए हमें उन्हें समझाना होगा कि अब वक्त बदल गया है। अब वो वक्त नहीं राज होने जो बहुओं को डरा कर धमका कर तशद्दुद कर कर कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाए। ये सब फजूल है, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। सिर्फ एक ही हल है, हमें घर छोड़ना होगा। क्या क्या कह रहे हो दी? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें अब ये घर छोड़ना होगा। जुनैद फिर वही बात, मैं राजी नहीं होंगी। ठीक है तुम कह रही हो तो एक मौका और दे दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, याद रखना। अभी भी वक्त है अम्मी, बाज आ जाए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वरना वरना क्या क्या वरना, धमकी दे रही हो मुझे? आपको कुछ भी नहीं याद अम्मी, मगर मैं सब कुछ जानती हूँ, आप ही कोमल के कत्ल की जिम्मेदार है। अरे कैसी बातें कर रही हो, खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। क्यों अम्मी, आपने ही तो उसे सीढ़ियों से गिराया था, आप तो उम्मीद को भी कोमल की कोख में ही मारना चाहती थी। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि भाई अस्पताल सही टाइम पर पहुंच गए, वरना उम्मीद आज हमारे दरमियान नहीं होती। और तो और, उम्मीद को मारने के लिए नीलम का साथ भी दिया आपने, सब भूल गई अम्मी आप, बहुत बुरा होगा आपके साथ। हाँ हाँ किया, मगर किसके लिए? अरे तुम सबके लिए किया, तुम्हारे लिए, नीलम के लिए। अम्मी बस, मैं यही चाहता था कि किसी दिन आपकी जुबान से इतराफ़े जुर्म सुन लूं,
और आज वो दिन आ गया है। मैंने सब सुन लिया है कि किस तरह आपने कोमल को मारने के लिए उसे धक्का दिया, किस तरह आपने उम्मीद की जान लेने की कोशिश की। अब मैं हाथ जोड़कर खुदा से माफी मांगकर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। चली जाए ये घर छोड़कर, खुदा का वास्ते। नहीं नहीं सर, नहीं मारो, आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा। क्या तो हम इस घर में रहेंगे? जाइए। वाह वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो? अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? इतना सब कुछ कहते हुए तुम्हारी जबान जरा भी ना लड़खड़ाई, कैसे बेहिस बैठे हो गए तुम? अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब इस लड़की के साथ तुमने शादी की थी मुझे धोखा देकर, मगर फिर भी तुम्हारा घर बसाए रखा मैंने और उसका सिला तुम मुझे आज ये दे रहे हो। काश काश ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, ऐसा बेटा खुदा किसी को ना दे, किसी को। बेकदर हो बेकदर।